दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको फोलीस कैथेटर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, यानी वो पेशेंट्स में जिनको या तो एक कैथेटर डाल के मैंने घर भेजा है या वो पेशेंट्स जो कि इसका इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है हमारा यूरिनरी कैथेटर या फोलीस कैथेटर, और एक बार इसके पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले इसका एक टिप है, यानी इसका जो आगे का मुँह है, फिर इसमें एक आई है जो ड्रेन करने के लिए है पेशाब को, देख रहे हैं बिल्कुल मामूली छोटी सी आई है, और फिर इसकी एक बलून की एरिया है जिसके अंदर ये फूल के ये बलून बन जाता है, और उसके बाद है इसका शाफ्ट, और लास्ट में हमारे पास इसमें दो पोर्ट्स हैं। एक तो है ये पोर्ट जिसके अंदर यूरो बैग कनेक्ट होता है, यानी कि यहाँ से यूरिन निकलता है, और दूसरा है इस बलून को फुलाने वाला पोर्ट। तो आइए देखेंगे ये बलून एक्चुअली फूलता कैसे है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम इसमें सिरिंज से पानी डाल रहे हैं और इसके जो आगे की टिप है ये पानी से भर के फूल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बलून है ये हमारे ब्लैडर के अंदर रहता है। अगर ये मेरा ब्लैडर है तो ये बलून इस तरह से अंदर टक रहता है, इसका मतलब ये कैथेटर जो है खींचने से बाहर नहीं आ सकता। आप कितना भी ज़ोर से इसे खींच लें ये आपके मूत्र मार्ग से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि इसके अंदर एक बलून है जिसके अंदर में पानी भरा हुआ है। पर आप ये भी देखेंगे कि जैसे ब्लैडर है अगर उसमें पेशाब की सतह नीचे है तो ये हमारा जो आई है ड्रेन करने के लिए ऊपर की तरफ है, यानी कि कैथेटर के बाद भी कुछ 5-10 ml यूरिन इस ब्लैडर में रह सकता है। दोस्तों इस कैथेटर को मूत्र मार्ग द्वारा यानी यूरिन के रास्ते द्वारा डाला जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले हम एक जेली का इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस में, और उसके बाद फिर इस नलकी को हम धीरे धीरे करके अंदर डालते हैं जब तक ये ब्लैडर तक ना पहुंच जाए, उसमें से यूरिन निकलना शुरू ना हो जाए, और फिर हम इस यूरो बैग को कनेक्ट करते हैं इस टिप में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और फिर इसमें से यूरिन का प्रवाह इस बैग में आता है और यह यूरिन यहाँ कलेक्ट होता रहता है। दोस्तों अब समझते हैं इस कैथेटर को डाला क्यों जाता है। यूजुअली इसको डालने का कारण होता है कि पेशाब का रुक जाना, यानी कि रिटेंशन हो जाए, या तो ये लंबे समय से रुक रहा हो या एकदम से पेशाब रुक जाए और फिर इतना दर्द हो रहा हो पेशेंट को कि किसी तरह से इस यूरिन को निकालना लाजमी हो जाए, तो ये नलकी हम डाल देते हैं। दूसरा काफ़ी कॉमन कारण इसको डालने का होता है ऑपरेशन के बाद, यानी हम कोई भी ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें शरीर के नीचे के हिस्से को सुन किया जा रहा है, या कोई लंबा ऑपरेशन कर रहे हैं जिसमें हमें देखना है कि कितना पानी पिया गया है और कितना यूरिन हमारा किडनीज बना रही हैं, या फिर कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें हमने मूत्र के रास्ते का ही ऑपरेशन किया, जैसे कि कोई प्रोस्टेट का ऑपरेशन या कोई पथरियों का ऑपरेशन या कोई स्ट्रक्चर का ऑपरेशन या लिंग के आगे की बनावट का कोई ऑपरेशन या मसाने का कोई ऑपरेशन, इन सभी ऑपरेशंस में इसको डाला जाता है। यूजुअली सिजेरियन सेक्शन यानी बच्चे होने के समय, अगर सिजेरियन से बच्चे हो रहे हैं तब भी इस कैथेटर को काफ़ी कॉमनली डाला जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि इस नलकी द्वारा आप एग्जैक्ट समझ सकते हैं कि पेशाब किडनी कितना बना रही है, तो यूरिन के आउटपुट को मॉनिटर करने के लिए कि कितना पेशाब किडनी बना रही है, जितना पानी डाल रहे हैं और जो जितना पानी बाहर आ रहा है उसके आपस के बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए भी हम कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से हम कैथेटर को तब भी इस्तेमाल करते हैं जब ब्लैडर के अंदर खून आ रहा हो या हमें ब्लैडर की सफाई करनी हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तो हम इसके थ्रू इरीगेशन करते हैं यानी कि सफाई करते हैं मसाने की, तब भी इसको डाला जाता है। ऐसे ही फोलीस कैथेटर को कभी कभी दवाइयाँ डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कई बार इसमें से हम कीमोथेरेपी या इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी दे सकते हैं, या फिर कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ जो हम डायरेक्ट ब्लैडर तक पहुँचाना चाहते हैं उनको इसको डाल के दिया जा सकता है। अगर ब्लैडर बहुत कमज़ोर है, जैसे इसको हम न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं, यानी कि मसाना जो है उसकी मांसपेशी कमज़ोर हो गई है, कोई नस उसकी ख़राब हो गई है, तो उस कंडीशन में भी क्योंकि ये यूरिन खुद से निकल नहीं पा रहा है तो हम नलकी डाले रख सकते हैं, नलकी डाल के अपने ब्लैडर को खाली कर सकते हैं, तब भी इन फोलीस कैथेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर यूरिन ब्लॉकेज की वजह से दोनों किडनी पर काफ़ी ज़ोर आ जाता है, यानी यूरिन जो है वो निकल नहीं पा रहा होता और फिर किडनी के अंदर काफ़ी प्रेशर आने से किडनी में सूजन आ जाती है। ऐसे में इस प्रेशर को रिलीफ करने के लिए भी हम एक फोलीस कैथेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि करीब करीब 20% जो मरीज़ हैं जो हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं उनको कोई कैथेटर की ज़रूरत पड़ती है, और जब हम एक कैथेटर डालते हैं तो एक सीधा रास्ता मिल जाता है बैक्टीरिया को बाहर से पेशाब के रास्ते के अंदर जाने में, और आमतौर पर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये बैक्टीरिया जो है पेशाब के रास्ते में पहुंच सकते हैं अगर एक बार उनको एक्सेस मिल जाए तो। तो ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे दिन इस नलकी के साथ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे यूरिन इन्फेक्शन का होने का चांस भी बढ़ता जाता है, यानी कि अगर हम एक महीने बाद देखें तो 100% मरीज़ों को, 100% मरीज़ों को कोई ना कोई बैक्टीरिया मसाने तक पहुँच चुका होगा, और उनका यूरिन का कल्चर अगर लिया जाए तो उसमें कोई ना कोई बैक्टीरिया आएगा। हर रोज़ करीब 5% तक का इन्फेक्शन रेट में इजाफा होता है, यानी जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे जो चांस है इन्फेक्शन होने का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, या इसको हम कभी कभी कहते हैं कॉटी यानी कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का, इसका चांस हमारा बढ़ता चला जाता है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कैथेटर से घबराएंगे, क्योंकि इसको डाला गया है तो किसी कारण से डाला गया है। और इन्फेक्शन का ध्यान रखने के लिए इस वीडियो में हम बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे जिससे इस इन्फेक्शन को कम किया जा सकता है, और आपके डॉक्टर भी सहयोग देंगे या हमारी टीम आपका सहयोग देगी जिससे कि पेशाब के इन्फेक्शन को हम कम कर सकें। काफ़ी बार नलकी के आसपास से कुछ बलगम जैसा पदार्थ निकलता है, लोगों को लगता है अरे मुझे इन्फेक्शन हो गया है डॉक्टर साहब, पर आपको ये समझना होगा कि अगर कुछ नाक जैसा या बलगम जैसा पदार्थ लिंग के आसपास के मुंह से, पेशाब के छिद्र के आसपास के मुंह से इस कैथेटर के आसपास जमा हो रहा है या निकल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन है। आमतौर पे ये नॉर्मल सिक्रीशंस होती हैं जो हमारे पेशाब के रास्ते की ग्लैंड्स हैं उनकी। तो अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, यानी कि इस नलकी की देखभाल करें कैसे आखिर। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि इसकी सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये दो दफ़ा हम सफाई इसकी करते हैं। एक तो नहाते समय इसको पूरे कैथेटर को आप भिगो सकते हैं, जो यूरो बैग है उसको भी साथ में भिगो सकते हैं, यानी इसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे से साबुन पानी से जैसे आप अपने बाकी शरीर को रगड़ रहे हैं वैसे ही इसको भी अपना अंग मान के आप उसकी सफाई साबुन और पानी से कर सकते हैं। ऐसे ही रात को सोते समय भी किसी गीले कपड़े से या फिर कोई अल्कोहल बेस्ड अगर स्टेलाइजर आपके पास है या बीटाडीन है तो उससे आप हल्का सा इसको साफ करके सो सकते हैं। तो ये दो समय हैं जहाँ पर आपको इस नलकी को साफ़ करना है, साबुन पानी से भी कर सकते हैं और कोई मेडिकल प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जैसे कि बीटाडीन हो सकती है या जो अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र हैं उनका भी हम इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जब भी आप मल त्याग किए जाते हैं उसके बाद भी आपको इस कैथेटर को इसी विधि से साफ़ करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो इसका बैग है वो कभी भी आपके ब्लैडर के लेवल से ऊपर ना हो, यानी कि ऐसा ना हो कि वापस पेशाब हमारे मसाने में जाए जो कि पहले से यूरो बैग में पड़ा है, क्योंकि जो भी चीज़ बाहर आ रही है वो उसमें इन्फेक्शन होने का चांस होता है, और अगर वो वापस गई तो डेफिनेटली हमें यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए यूरो बैग को हमेशा जहाँ पे आप लेटें उससे एक लेवल नीचे बांधें, यानी आपके मसाने के लेवल से वो नीचे ही रहना चाहिए हमेशा। जब भी आप कैथेटर को अपने हाथ से छुएं या कोई भी इसके आसपास गतिविधि करें तो आपके हाथ हमेशा धुले होने चाहिए, कैथेटर को छूने से पहले भी और हो सके तो कैथेटर को छूने के बाद फिर से आपको हाथ धोना चाहिए। इसके आसपास कोई पाउडर लोशन इन सबको डालने की कोशिश ना करें, और ये भी ध्यान रखें कि आप जब नहाएं तो एक कुर्सी पर बैठ के नहा सकते हैं, लेकिन टब में इसके साथ आप कृपया ना नहाएं, उससे इन्फेक्शन होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। जब भी आपका ये यूरो बैग भर जाए, करीब दो तिहाई भर जाए या आधा से ज़्यादा भर जाए, उस समय आपको इस यूरो बैग को खाली करना है। यूरो बैग को खाली करना बहुत ही सरल है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, केवल आपको ये ढक्कन खोलना है और फिर इस पूरे बैग को अपने नाभि के लेवल से नीचे रखते हुए ही उड़ेल देना है। यही ध्यान रखना है कि मसाने से ऊपर का लेवल कभी भी ना बने ताकि ये पेशाब वापस मसाने में कभी ना जाए। जब भी आप लेग बैग का इस्तेमाल करते हैं या डे केयर बैग का और नाइट बैग का अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आप इस बैग को चेंज करें तब आप इसको डायल्यूटेड विनेगर सॉल्यूशन से, जो क्लियर विनेगर सॉल्यूशन होता है उसको डायल्यूट करके इसको धो के इसको सुखा के इसको यूज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की जो आपको पता होने चाहिए जब भी आप यूरो बैग के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो एक तो आपको ये पता ही है कि इसमें ये येलो कलर का एक बड़ा सा वॉल्व है जो कि एक इरिगेशन पोर्ट के अलावा है, जिसमें बेसिकली हम अपना यूरो बैग कनेक्ट करते हैं। तो यूरो बैग को कनेक्ट करने के लिए बड़ा आसान है, इसको आप इस तरह से अंदर डाल सकते हैं और फिर इस तरह से इसको खींच के बाहर निकाला जा सकता है। इसको जब भी आप निकालें या डालें तो इस जंक्शन को आपको साफ़ रखना है। इसके लिए आप कोई अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई आयोडीन बेस्ड सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं ताकि ये एरिया जंक्शन हमेशा साफ़ रहे। आमतौर पे जो यूरिन के इन्फेक्शन है वो यहीं से अंदर जाते हैं। ऐसे ही अगर आपके यूरिन के बैग में अगर पेशाब ना आ रहा हो तो इसको सिरिंज द्वारा आप इस तरह से क्लीन कर सकते हैं, इसके अंदर आप इसको फ्लश कर सकते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके लिए एक कैथेटर पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सीधे ही इसको सिरिंज के साथ आपस में भिड़ा कर और फिर इसको फ्लश कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास सिरिंज ना हो तो इसको इस तरह से मोड़ के यूरो बैग के ट्यूब को आप एकदम से छोड़ेंगे तब भी एक नेगेटिव प्रेशर बनने से यूरिन का प्रवाह इसमें वापस आ सकता है। अगर कोई छोटा मोटा क्लॉट या छोटा मोटा कोई पस वहाँ पर अटकी हुई है तो आपका ये फ्लश वापस काम करने लगेगा। जब भी आप यूरो बैग को लेके चलते हैं तो काफ़ी बार ये खिंचाव एक देता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं एक डॉक्टर टेप से इसको कभी कभी पेट के आसपास या जांघ के आसपास फिक्स भी कर लेते हैं। ऑल दो ऐसा फिक्स करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमारे जो कैथेटर है इसमें पहले से एक बलून है जिसकी वजह से ये बाहर नहीं आएगा, फिर भी कभी कभार खिंचाव की वजह से मरीज़ परेशान ना हो उसके लिए हम ऐसा एक टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब भी हम कैथेटर को निकालते हैं उस समय हम चाहते हैं कि जो ब्लैडर है उसको वापस एक बार बड़ा छोटा किया जाए, उसकी आदत को मेंटेन किया जाए। उसके लिए हम इस कैथेटर को क्लैंप कर सकते हैं। क्लैंप करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो हम यूरो बैग को ही क्लैंप कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि ये हमारी जो ट्यूब है इसको आप ऐसे मल्टीपल टाइम्स फोल्ड करेंगे और फिर यहाँ पे आप कोई क्लिप लगा सकते हैं। अगर आप एक ही बार फोल्ड करेंगे तो इससे पेशाब जाने का चांस रहता है, तो इसको कई बार हम बहुत बार फोल्ड करते हैं इस तरह से, और फिर उसके बाद इस पर क्लैंप लगा सकते हैं। या फिर आप सीधे इस कैथेटर को भी ऐसे ही मोड़ सकते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कैथेटर है, इसको भी हम यहाँ से बेंड करके और इसको अच्छे से बांध सकते हैं किसी धागे से, क्लिप से, रबड़ बैंड से। ये सभी ऑप्शन है जिससे आप कैथेटर को क्लैंप कर सकते हैं। क्लैंप करने से क्या होगा कि जो पेशाब है वो हमारे अंदर जब भी होगा भरेगा तब एक सेंसेशन मरीज को आएगी, और फिर उसको खाली करने के लिए इस क्लैंप को आप हटा दीजिए। इससे जो ब्लैडर है इसकी साइकिलिंग होती है, यानी कि ब्लैडर भरता है, सिकुड़ता है, इससे ब्लैडर जो है वो एक्टिव रहता है। दोस्तों जब हम कैथेटर के साथ रहते होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स का हमें सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये कोई बॉडी का हिस्सा नहीं है, ये एक बाहर की चीज़ है जिसको जो शरीर है वो निकालना ही चाहता है। तो ऐसे में एक तो इन्फेक्शन है जिसके बारे में हमने बात की, हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी कैसे इस इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं, कैसे हमें साफ़ सफाई रखनी है कैथेटर की, कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में हमने बात की है। ऐसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है कैथेटर के आसपास से यूरिन का लीक करना, यानी कि जब ब्लैडर स्पैजम्स में आता है, यानी कि जब वो इस कैथेटर को निकालना चाह रहा होता है तो वो ज़ोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसे में नीचे के हिस्से में मरीज़ को दर्द होता है और इसको हम ब्लैडर स्पैजम कहते हैं, और उस समय कुछ पेशाब नलकी के आसपास से निकल सकता है। अब ऐसे में तो कई मरीज़ घबरा जाते हैं, उनको लगता है ये ब्लॉक हो गया है तभी आसपास से निकल रहा है, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर भी सोचते हैं कि शायद ये नलकी छोटे साइज़ की है या बल्ब पूरा फूला नहीं है, तो बल्ब को और बढ़ा कर देते हैं या साइज़ जो है उसका नलकी का और बड़ा डाल देते हैं, जिससे कि और ज़्यादा स्पैज़म आने लगते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप अपने यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात करें, वो आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ देंगे जिससे ये स्पैज़म जो है कम हो सके और आपको फिर इसमें आराम मिल सके। ऐसे ही जब भी हम कभी उठते बैठते हैं या चलते हैं या कभी ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं तो ये जो बल्ब है ये सतह से रगड़ कर थोड़ी ब्लीडिंग कर सकता है, यानी आपको पेशाब में खून आ सकता है। और ये थोड़ा मोटा खून जब भी आए तो आप ज़्यादा पानी लें, अगर ये खून क्लियर हो जाता है तो आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्पेशली ब्लड थिनर्स पे हैं या एंटीप्लेटलेट्स पे हैं या कोई ऐसी हार्ट की खून पतला करने की मेडिसिन लेते हैं तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो सकती है। तो हमें घबराना नहीं है इसके लिए, बस पानी को थोड़ा सा बढ़ाना है। ऐसे ही एक प्रॉब्लम होती है कि लिंग की जो आगे की खाल है उसको भी हमें कैथेटर के साथ साथ साफ करना होता है। अगर हम इसको क्लीन नहीं रखते तो इसके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, आगे की खाल लाल हो सकती है, टाइट हो सकती है या इसके आसपास पस बन सकती है। इसको हम बैलनोपोस्थाइटिस कह सकते हैं। कभी कभी जब इस नलकी के आसपास हम सफाई कर रहे होते हैं तो चमड़ी को हम पीछे करके छोड़ देते हैं तो ऐसे में चमड़ी फूल सकती है, इसको हम पैराफाइमोसिस कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कैथेटर के साथ साथ जो लिंग के आगे की चमड़ी है इसका भी आप स्पेशल केयर करें, उसको आप साफ रखें, वो पीछे ना छोड़ें, उसको वापस आगे की तरफ लाके ही उसको छोड़ें। इसके अलावा बहुत बार ऐसा होता है कि कैथेटर जो है वो बहुत पुराना हो जाता है, हमें ध्यान ही नहीं रहता, उसके साथ जीते जीते उसको एक हिस्सा ही मान लेते हैं अपना। पर इस कैथेटर को 4 हफ्ते में आपको बदलना है। अगर आपको सिलिकॉन का कैथेटर लगा है जो कि ट्रांसपेरेंट कैथेटर होता है तो उसको हो सकता है कि हम 3 मंथ्स में चेंज करें, बट इस तरह का येलो कैथेटर जिसको हम सिलिकोनाइज लेटेक्स का कैथेटर कहते हैं इसको हमें 4 हफ्ते में बदलना होता है। ऐसे ही अगर ये कहीं से लीक कर रहा है या आपको लग रहा है कि कनेक्शन इसका लूज़ हो रहा है तो आप उसमें यूरो बैग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये प्रॉब्लम यूरो बैग के साथ ज़्यादा होती हैं। और अगर आपको लगता है कि इस कैथेटर में से कहीं लीकेज हो रही है तो आप इस कैथेटर को फिर तब चेंज करा सकते हैं। बट ये ध्यान रखें जितना आप इसको चेंज कराएंगे उतना ही नया इन्फेक्शन आने का वापस दोबारा कैथेटर डालते समय चांस हमेशा रहेगा। ऐसे ही अगर आप क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करते हैं, यानी कि खुद से नलकी डाल के पेशाब को निकाल रहे हैं, तो इसमें हम नेलटन कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं। और एक नेलटन कैथेटर जो होता है वो हमें 7 दिन में बदलना होता है, यानी कि आप उसको पेशाब में डालेंगे रास्ते में, फिर उसका पेशाब खाली करेंगे, उसको निकाल के साफ करके धो के सुखा के रखेंगे। इस तरह से आप उसको 1 हफ्ते तक चला सकते हैं। बट इस फोलीस कैथेटर को जो कि एक पीले रंग का आमतौर पर कैथेटर होता है इसको हम करीब 4 हफ्ते तक चला सकते हैं। लास्टली हम बात करते हैं उन स्पेशल सर्कमस्टांसिस की, उन सिचुएशंस की जहां आपको आपकी मेडिकल टीम के साथ आपको अपने यूरोलॉजिस्ट से बात करनी है या अपनी टीम से बात करनी है जिन्होंने आपको कैथेटर लगाया है। ये तब होगा दोस्तों जब आप बहुत देर तक एक कैथेटर में से यूरिन ही ना आए और आपने इसको जैसे मैंने बताया ट्विस्ट करके देख लिया है, या किसी मेडिकल प्रोफेशनल से सिरिंज द्वारा एक बार फ्लश करके देख लिया एक साफ तरीके से, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग इससे हो रही है
और ये ब्लड जो है वो बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का है, फ्रेश ब्लड लग रहा है, या इसकी वजह से ब्लड की वजह से थप्पे आने की वजह से वो बीच बीच में रुक रहा है कैथेटर, या बहुत ज़्यादा पस इस कैथेटर से आ रही है, या आपको ठंड लग के बुखार आ रहा है, इन सब कंडीशन में आपको मेरी सलाह में अपने यूरोलॉजिस्ट से या अपने डॉक्टर से जिन्होंने कैथेटर डाला या हमारी टीम से कनेक्ट करना होगा। सबसे आखिर में बात हम करते हैं उस पल की जब हम इस कैथेटर को निकालने वाले हैं। तो जब ये कैथेटर निकालने वाला था तो मरीज़ के मन में कुछ खुशी भी होती है, कुछ एंटिसिपेशन होती है, कुछ डर भी होते हैं कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बाद में दिक्कत तो नहीं आएगी। तो उसके लिए रेडी रखने के लिए आपको मैं कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि एक तो जब भी आप कैथेटर को निकलवाते हैं तो सुबह निकलवाएं, क्योंकि अगर सुबह हमने इसको निकाला और पेशाब नहीं भी आया तो पूरा दिन हमारे पास होता है मेडिकल टीम के पास उस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए। दूसरी बात यह है कि जब आप कैथेटर निकलने वाले जा रहे हैं तो एक दो घंटे पहले ही उसको क्लैंप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मसाने में पहले ही वो यूरिन जो है वो इकट्ठा हो जाएगा, तो निकालते ही आप अपना फर्स्ट ट्रायल विदाउट कैथेटर, जिसको हम TWOC कहते हैं, यानी कि पेशाब ट्राई करना, ये आप कैथेटर निकलते ही कर सकते हैं, क्योंकि आपको पहले से ही पेशाब का प्रेशर लग रहा होगा। अगर आप आके फिर उसके बाद उसको निकलवा के फिर पानी पी के वेट करते हैं तो ऐसे में आपको थोड़ा समय ज़्यादा बिताना पड़ सकता है हॉस्पिटल में, और इस समय को आप सेव कर सकते हैं इस कैथेटर को क्लैंप करके। तो जब भी हम इस कैथेटर को निकालते हैं तो हम सिरिंज का इस्तेमाल करते हैं, सिरिंज को इरिगेशन पोर्ट में लगाते हैं और फिर धीरे धीरे करके इससे पानी को निकाला जाता है। जैसे हम इस कैथेटर को पुल करते हैं तो हल्का सा आपको खिंचाव सा महसूस हो सकता है पेशाब के रास्ते में, पर ये बिल्कुल सहने लायक होता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता है इस पूरे प्रोसेस में, तो आप दर्द से ना डरें नलके निकलते समय। हो सकता है नलके निकलने के बाद थोड़ी देर आपको जलन रहे, जो पेशाब करने के बाद एक दो बार ये ठीक हो जाएगी। कभी कभी कुछ टेम्प्रेरी लीकेज हो सकता है, तो आप जब भी कैथेटर निकलवाने आ रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ट्राउजर्स पैंट्स आप रख सकते हैं, या एक डायपर साथ में बैकअप के लिए ला सकते हैं, स्पेशली अगर आपके कोई गदूत का ऑपरेशन या प्रोस्टेट की कोई सर्जरी हुई है। तो कैथेटर को निकलवाने आने से पहले एक बार आप अच्छे से स्नान करके ज़रूर आएँ, इस पूरे एरिया को साफ सफाई करके ही आप उसको निकलवाने के लिए आएँ। और एक चीज़ ये भी कि अगर आपको मुश्किल है आने में तो बहुत रेयरली आप इस इरिगेशन पोर्ट को काट के भी इसके पानी को एम्प्टी कर सकते हैं और फिर अपने कैथेटर को पुल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए टिप्स बता रहा हूँ जो कि बहुत दूर है मेडिकल सर्विसेज से और जिनको डॉक्टर तक आने में बहुत दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरी आशा है कि ये वीडियो जो है कैथेटर केयर के बारे में, इससे आपको लाभ होगा, आप समझ पाए होंगे कैथेटर क्यों लगाया गया है, अब इसका कैसे ध्यान रखना है, कैसे कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करना है, छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशंस को कैसे समझना है, उनको कैसे बरतना है, और कब डॉक्टर से कनेक्ट करना है, और फिर कैथेटर को कब बदलना है और कैसे निकलवाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।